अरे अरे भगवान, बहुत गर्मी है, थोड़ा कम कर दो। अरे भगवान जी, कुछ करो वरना मर जाऊंगा। कौन है, कौन है? कोई जल्दी दे, मार डालूंगा, जो भी होगा मार डालूंगा। अरे तू दे दे, शांत हो जाइए। सुनिए ना जी, आप झगड़ा करने जाते हैं तो क्या होना है ये मैं जानती हूँ। सुबह सुबह आप ये खून से रंगे हुए हाथ में देख नहीं पाऊंगी। हमारे एरिया में अगर कोई चोर आया और मैं नहीं जाऊंगा तो कल मेरे घर में जब चोर आएगा तो कोई गांव वाला हमारे घर में बचाने आएगा क्या? बोल तू बोल। मैं जाऊंगा, क्या करूंगा। मुझे कितना डर लगता है। कोई जा होगा तो काफी नहीं है, इसको चलाने का दम भी होना चाहिए। जाइए जाके सो जाइए। वो सांप था इसने धंधा तुझे बताया, कोई और होता तो मैं ही मार डालता। समझ गई ना? पता है, सो जाइए। खराब हो गई। वैसे अपना बेटा कहाँ है? वो दुकान पर गया है। और बेटी? वो अंदर रेडी हो रही है। रेडी हो रही क्या बेटी? इतनी जल्दी नहीं मिलते है ना, वैसे भी इतनी जल्दी क्यों मिलना है बताओ? रोज रोज तुमसे नहीं मिल पाऊंगी ना। ठीक है, बाय। क्यों बेटी, बाय बाय बोल रही हो? लगता है लड़का लाइन पे आ गया है। फोन नया लिया है क्या? कितने का है? 5,000 का है पापा। 5,000 बोलती है? उसे निचोड़ निचोड़ के 50,000 का लेना चाहिए था टच स्क्रीन। उसके पास इतने पैसे नहीं है पापा। अरे नहीं नहीं बेटी, लड़के ऐसा ही बोलते हैं। तुम्हें ही उसे निचोड़ना होगा। निचोड़ निचोड़ के कम से कम तुम तो सेटल हो जाओ बेटी। समझ में आया? ठीक है पापा, तुम जाओ बेटी जाओ। उसी काम में लगी रहो। बाबा क्या सिखा रहे थे उसे जी? क्यों, तुझे मैंने सेट किया था ना, ये भी वैसा ही है। वैसे अपने घर में एक और नमूना था, वो कहाँ है बताओ? उसे नमूना क्यों कह रहे हैं जी? पेड़ की तरह एकदम लंबा है वो और झाड़ू की तरह बिल्कुल पतला है वो। इस एरिया में है कोई ऐसा हीरो लगता है मेरा बेटा। वो मेरा बेटा भी है। उस कॉमेडी वाले को इतना बिल्डअप मत दो, वो अपना बिल्डअप खुद ही करता रहता है। उसका एक अपना हीरोइज्म है। नया ब्रेक लगाने को कहा तो जो ब्रेक था उसे भी निकाल दिया। ट्यूब डालने को बोला था, टायर भी निकाल दिया। मैंने तुझे साइकिल ठीक करने को कहा था और तूने उसे बेच दिया। सीट पर कवर लगाने के लिए कहा तो सीट ही निकाल दिया। ये रिंच कहाँ डालूंगा पता है तुझे? सभी यहाँ आके यही बोलते हैं, मार्केट में कुछ नया लाओ। क्यों बे, तेरा भाई कहाँ पर है? है पर सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चला गया। मूड अच्छा नहीं है, तेरे भाई के साथ मिलकर दारू पीनी थी। वैसे तेरी बहन स्कूल चली गई क्या? नहीं यार, वो घर पर ही है। अच्छा, रुपए इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहा है? यहाँ तुम भैया के साथ दारू पियोगे और वहाँ मैं तुम्हारी बहन को लाइन मारूंगा। कमीने कहीं के, मेरी बहन पे हाथ डालता है। क्यों भाई, छोटे बच्चे को ऐसे नहीं मारते हैं? छोटा बच्चा कहा, हम दोनों को बेचकर खा जाएगा ये। अरे यार वो सब छोड़, ये बता सुबह सुबह यहाँ क्यों आ गया? भाई मूड अच्छा नहीं है, चल के दारू पीते है ना। कहाँ पिएगा, अभी तक एक भी पंचर नहीं बना है। दारू पीने के लिए पैसे थोड़ी चाहिए, रवि को बुलाता हूँ ना मैं। तो फिर फोन करना उसे। हाँ। विजय माल्या के अकाउंट में जितने पैसे हैं वो पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, ऐसी खुशी मिल रही है। ये कैसा डायरेक्टर है भाई, टॉयलेट करते समय भी शूट कर रहा है। कर दिया तो कर दिया, अब क्या? क्यों रे, फोन क्यों किया, कहाँ पर है? सुन रवि, एक काम कर, अपने अड्डे पे आ जा। अच्छा बता, पैसे हैं क्या? मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, मोटू के पास पूछता हूँ, होगा तो लेकर आऊँ क्या? तो फिर उसे भी लेके आ जा। अच्छे से सेट कर रहा है, जल्दी आना। हाँ ठीक है भाई, ओके चल, काम हो गया, चलते हैं। ए, दुकान का ध्यान रखना। ठीक है। वाह क्या फिगर है भाई। अरे कालीचरण,
अरे कालीचरण, अरे वो गेंडे। क्यों भाई यहाँ कैसे आ गया? तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? ये देख इसमें रखा है। आहा, तब तो तेरे से जरूरी काम है। चल चल था। अरे चल ना, चल आ जा। क्या है? आजा। कहाँ रह गया ये? आ गया। कहाँ रह गया था अब तक? अरे बाप रे, इतना टाइम क्यों लगा आने में? क्या करता, मैं जब गया तो कालीचरण बहुत बिजी था। कहाँ बिजी था इतनी देर? अच्छा, किसी बढ़िया काम में लगा था? ये तो रोज का है, पर वर्कआउट नहीं हो पा रहा। बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ए, बना यार। अरे तू रुक जा, दारू पीते समय कोई अच्छा गाना बजे तो मजा आ जाएगा। अरे तू धुन लगा, मैं बनाता हूँ। भाई अब मेरी सुन, अब हमारी रंभा नाचेगी। रंभा क्यों छपिया? कौन हो? मेरे गांव में क्यों आई हो? क्या बात है, क्यों इतना परेशान है? हवा आने दे जरा। अरे बाप रे, अच्छा तो बताओ फिर। हे यार, सारे पागल है किस किस को दूं, प्यार सारे चाहते हैं किस किस को दूं, जेब तुम सबकी मैं ढील कर दूं, जिसको चाहूं दिल उसका ही लो। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, सारे नाचे मेरे आगे पीछे, आगे पीछे। यार सारे पागल है किस किस को दूं, प्यार सारे चाहते हैं किस किस को दूं, जेब तुम सबकी मैं ढील कर दूं, मैं जिसको चाहूं दिल उसका ही लो। मेरे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, सारे नाचे मेरे आगे पीछे, आगे पीछे। Huh?
ने हाथ उठाया। ये छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत कैसे हुई तेरी? इतना मार के गाना क्यों सुना रहा है? गाना नहीं है बे, अब तक तुझे मारा ना उसका दिलासा दे रहा हूँ। आगे से मुझसे पंगा मत लेना नहीं तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्यों भाई, सूरज निकल आया फिर भी अंधेरा क्यों है? अबे गधे, पहले चश्मा तो निकाल, कितनी कड़ी धूप है। पागल कहीं का। क्यों भाई इतना लेट क्यों हो गए?
आप कहीं बाहर गए थे क्या? हो सकता है गए होंगे। भाई आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। भाई इसके बदले कितने पैसे मिलेंगे? भाई कल जिसने आपसे झगड़ा किया था उसकी बहन। भाई नहीं भाई, आप जाकर उसकी बहन को छेड़ो, इसको भी उसकी तरह बहुत घमंड है, आपको मारेगी, उतने में उसका भाई आ जाएगा और वो आपको कुत्ते की तरह धोएगा, बड़ा मजा आएगा भाई। वो बंद कर अपना, अभी दिखाता हूँ तुझे मैं क्या हूँ। क्यों बहुत हंसी आ रही है? गलत किया, थूकना नहीं चाहिए था। तुझे पता है क्यों? थूक खून के बराबर होता है, क्योंकि थूक में भी 100 कैलोरीज होते हैं। खून गया तो किसी और से ले सकते हैं, थूक गया तो किससे लेगी? छी, कमी ना कहीं का। ए, एसिड की बोतल ले। ये लो भाई, डाल दो। डाल दूं तुझ पे? हाँ, डालूं? बता ना, हाँ, थोड़ा सा डाल दूं क्या? तूने एसिड पी लिया, तेरे पेट में सब कुछ जल के राख हो जाएगा। अबे तेरे आदमी ने एसिड की बोतल में वोदका मिलाया, वहां तक गंधारी है। भूल गया था भाई, तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। अगर तुम सब्जी खरीदने भी बाहर निकलो ना, तो 4 बाउंसर साथ लेके निकला करो, तभी तुम सुरक्षित रहोगी। इनके कुछ करने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ प्लीज। अबे ओ चिरकुट, अपनी बाइक लेके निकल यहाँ से। अबे निकल ना। चल यार। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे क्यों छोड़ दिया? अबे और किस लिए? अबे तुझे उस पे एसिड की बोतल फेंकनी थी इसलिए भागता हुआ आना। मैं भी तेरे आगे आगे दौड़ता रहूंगा, और मेरे पास पहुँच के ये एसिड की बोतल छीन लेना मुझसे, और फिर ये बोतल खोल के मेरे फेस पे फेंक देना। ये सब करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, समझ गया हो? तो इस खटारा को उठा और यहाँ से निकल जा। मेरे लिए दारू ले गया। शंकर अब तक आया क्यों नहीं? ये लो भाई। इधर आ बे। ये पैसे पकड़ करीम बीड़ी ले गया। करीम बीड़ी कहाँ बे? ए दूर रुक रुक, ये ले, ये समझदारी से क्या पागल हो गए ना? पागल नहीं हुआ मेंटल। ऐसी बेकार जिंदगी और कब तक जिएगा? कम से कम आप तो सुधर जा। अब वाला सुधर के ये क्या करेगा? जो टिप इसने उससे वापस लिए उसी से पार्टी करेगा। अरे मेरे बेटे को देखो ना, बहुत सालों तक वो आवारा की तरह घूम रहा था, अच्छी लड़की के साथ सेट हो गया। अपने पिता की अकलौती लड़की है वो, रोज मुझे जेब खर्च देता है। बिल्कुल रहेगा। नौकरी आसानी से नहीं मिलती है, गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिली तो नाव डूब जाएगी। रे रोज मेरा बेटा खर्चे के लिए 100 रुपया देता है, 100 रुपया। एक मेरा बेटा है देखो, अरे किसका बेटा? इन सब भिखारियों के सामने तूने मेरी इज्जत उतार के रख दी बे। मेरा बेटा भी तेरे बेटे के जैसे एक अच्छी लड़की पे लाइन मार के उसे सेट कर लेगा, फिर शादी भी करेगा, फिर अपने ससुर की कार में शान से चढ़ के यहाँ पे आएगा। क्यों रे ब्रेक, कहाँ से आ रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं बबाहर गया था ना, पानी पूरी का ठेला देखा मैंने। हाँ। तो मैंने 4 प्लेट पानी पूरी खाई, फिर मुझे नूडल्स का ठेला दिखा, वैसे भी पेट खाली था इसीलिए मैंने 3 प्लेट नूडल्स भी खा लिए। ये सब खाने से पेट गर्म हो जाएगा, इसीलिए 4 नारियल का पानी पी लिया। भूख लग रही थी इसीलिए मैं घर आ गया। मैंने सही किया ना माँ? भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। क्यों रे ब्रेक, तेरा पेट है कि कुआं? मैंने सब सुन लिया, पापा कहाँ पर हैं? इसके लिए वो बाहर गए हैं, तुझे खाना देती हूँ, अंदर चल, चल अंदर। हाँ, आ गया बेवड़ा। क्यों रे? तुम
लोग आगे भाड़ भाड़ के क्यों देख रहे हो? हमारा बाप जितना कॉमेडी करता है आज वो इतना सीरियस क्यों? इसीलिए। अरे मेरी खुशी हो, हंसी हो, दुख हो, कष्ट हो, सब उसके लिए ही तो है, उसी के लिए। उसने क्या कर दिया ऐसा जो हमेशा सुनाते हो? क्या बोली, क्या किया इसने? शादी की उम्र हो गई इसकी, पर अभी तक शादी नहीं की। मैंने बोला था कि शहर की किसी अच्छी अमीर लड़की को पटा, वो भी नहीं पटा पा रहा है। अरे हमारी गरीब जिंदगी को खत्म करके अमीरी की जिंदगी शुरू करने बोला था कि नहीं? बोल बोल ना। वो क्या साइकिल की टायर है जो सेट करने के लिए इसकी शादी की जाए? मैं तो इसे कभी कुछ नहीं बोलता। आप प्यार का मतलब नहीं जानते हैं क्या पापा? पापा जो माँ से नहीं करते हैं ना, वही प्यार है। अरे हमारे जमाने में प्यार का मतलब दो जिस्मों का मिलके एक जान होना था, लेकिन आजकल प्रेम का मतलब तीन क्लब, दो पाप, बाकी बिस्तर में सब है कि नहीं? क्या सोच है इनकी? कैसा पति पलने पड़ा है। चीची, इतना सब होने के बाद मैं खाना कैसे खाऊं? माँ घर में फल है क्या? भैया रुको, मैं भी आता हूँ। आज की सच्चाई बताई तो सब उठ के चले गए। वैसे भी मेरी बीवी के पास अकल है नहीं, और मेरी बेटी के पास भी अकल नहीं। बेटा का दिमाग तो पहले से ही खाली है, और छोटा तो समझो किसी काम का नहीं। सब चले गए, मैं भी चला जाऊंगा। अरे ब्रेक, तेरा भाई कहाँ है? वो रहा। हाँ? क्या हुआ रे? हमारा बाप शाम को शराब पीकर आया और किसी लड़की से प्यार ना करने पर भाई को डांटने लगा, इसीलिए उनका मूड ऑफ है। क्या हुआ? ये कैसी फैमिली है, बड़ी अजीब है। दूसरी फैमिली में प्यार करो तो डांटते हैं, तुम प्यार नहीं कर रहे हो तो डांट रहे हैं। तू चुप रह, वो पहले से ही दुखी है, तू अलग सुना रहा है। अरे भाई, तेरा दुख मिटाने के लिए आज नागार्जुन की फिल्म रिलीज हुई है, चल देखते हैं। अभी फिल्म देखने जा रहे हैं और शाम को मेरा बाप मुझे फिल्म दिखाएगा। भी कहो यार, थिएटर में आने से मूड बदल जाता है। ये सब देख के मूड पूरा चेंज हो गया है। ये लोग ऐसे खुश क्यों हो रहे? इतना पागलपन क्यों दिखा रहे हैं? वैसे भी ऐसे पागल लोगों को हमने बहुत देखा है भाई, इनका तो हमेशा से यही है। वो सब छोड़ो भाई, फिल्म का टाइम हो रहा है। आ, चलो। इतना पागलपन क्यों? आइए पापा। ये मेरे लिए भगवान के समान है, ये मुझे बचपन से बहुत पसंद है। इनके पिताजी और मेरे पिताजी, मतलब तुम्हारे दादाजी, बहुत पसंद करते थे, इसी वजह से मैं भी इन्हें बहुत पसंद करने लगा। मुश्किलों से पीछा छुड़ा सकते हैं, पर पसंद से कैसे पीछा छुड़ाएं बेटा? ठीक है, चलिए। अरे रुको बेटा, अरे मेरी बात सुनो। चलिए पापा। अरे सुनो तो। आइए, मेरी बात सुनो। दिल ये बोले हम तुझको चाहे,
जानिया दिल तुझको ढूंढे ओ जाना ओ मेरी सोनिया तू सुन लेना दिल तुझको चाहे ओ जाना मैंने तो जाना मर जाऊंगा हाँ कह दे जाना वे मांगे हमेशा नींदों में जागा तुझको ना भूले दिल मेरा जाना वे कह दो ना जाना मुझको तुम पहचानो दिल मुझको कहता तू दिल में रहता तू ही दिल मेरा तू यार सुन भी ले तू मेरे संगा तुझको चाहूंगा मेरे संग रहना ओ यार तू सुन भी ले सुन लो ना जानम तुमको ढूंढे हम मुझको से हर बंधन अपना तू हमदम तू ही है जाना दिल ये बोले हम तुझको चाहे हर पल ढूंढे हर पल सोचे तुझको मांगे ये चलिया 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 ओ मेरी जानिया सुन ले जानिया दिल तुझको ढूंढे ओ जाना ओ मेरी सोनिया तू सुन लेना दिल तुझको चाहे ओ जाना दिखाई नहीं दे रहा है क्या इस उम्र में दिखाई नहीं दे रहा मतलब प्यार में गिर गया है प्यार में फ्लैट हो गया है अरे गिरा गिरा प्यार में गिरा वो सुंदरी कौन है बता 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 उसे आज ही मैं मिला सुपर है गाना अच्छा है वैसे लड़की का नाम बता अमीर है ना गरीब तो नहीं है वो बहुत अमीर है अगर हमको 100 बार बेचा तो वो 100 बार खरीद सकती है हमको इतनी ज्यादा अमीर है वो लड़की कहाँ होगी कैसी होगी ओम अकिनेनी नमः ओम नागार्जुनाय नमः ओम अकिनेनी नमः गुड मॉर्निंग डैडी आओ बेटा कल नागार्जुन की फिल्म रिलीज के कारण तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया रात को ठीक से नींद तो आई ना बेटा हाथ हटाइए मुझसे बढ़के आपके लिए नागार्जुन ही है तुम्हें तो पता है ना मेरे लिए पहले तुम उसके बाद मैं और फिर मेरे नागार्जुन बस इतना ही
ये तीनों ही मेरी दुनिया है, आरती ले लो। सुनिए जी, आरती ले लीजिए, तुम भी लो बेटी। ठीक है। नागार्जुन जी, हमारे राष्ट्र के सभी लड़कियों के हीरो हैं आप, और इनके लिए भगवान है। क्या है ये, बहुत दिन हो गए हमें गाँव गए हुए। मैं जाकर ठंडी हवा खा कर आती हूँ। क्यूट डैडी। ठंडी हवा खा लेना बेटा, पर किसी लड़के को अपने दिल में घुसने मत देना। पापा, मुझे ना शहर में कोई इम्प्रेस नहीं कर पाया, और ये तो गांव है पापा। खेड़ गांव है इसलिए छोटा मत समझना बेटा, बड़े बड़े सोने के खदान है यहाँ। जब तुम पैदा हुई थी तभी सोचा था किसी हीरो से शादी करा दूंगा, हो सके तो किसी ऐसे को दिल देना। प्लीज पापा। जा कराओ बेटा। जा कर आती हूँ पापा, बाय। क्या सुबह सुबह शोर मचा रहे हो? शोर नहीं मचा रहा है साहब, बहुत तेज भूख लग रही है। कल नागार्जुन की मूवी रिलीज हुई, इसीलिए आपने दावत दी है यहाँ पर, हमने सुना है। बहुत मजे कर लिया आपने, अब बचे हुए आइटम दे दो साहब। दे दीजिए साहब। नागार्जुन के नाम पे जो खाना बनाया है वो तुम्हें दे दूं? साहब मार क्यों रहे? उठो उठो भाई। अरे उठ जा भाई, उठो उठो। सुनो, मुझे माफ करना, हमारे गुरुजी के पिता का नाम रखा है, मुझे पता नहीं था इसलिए आपको धक्का माफ कर दिया। अब बचा हुआ आइटम दे दो हमें। ठीक है, देता हूँ। दे दो साहब, हमें बहुत भूख लगी। चलो चलो। एक बात है, तुम सबको मिलकर मेरी बेटी नैनी को अच्छा पति मिले ऐसी प्रार्थना करना। ठीक है, ओके। तेरा भाई इतनी गहरी सोच में कहाँ खोया हुआ है? मेरे भैया एक लड़की से प्यार करने लगे हैं, इसलिए आजकल खोए खोए रहते हैं। तो फिर ठीक है, एक बार भाभी से बात करने को कहना। बात करने को क्या कहूँ, भैया भी भाभी के साथ ऊटी में हैं। हे भाई। क्या है? हे, तू कब यहाँ आया यार? हाँ, तू ख्यालों में था तब आया। उस दिन हमने थिएटर में एक लड़की देखी थी ना, वो लड़की मुझे पसंद आ गई है यार, पागलों की तरह प्यार करता हूँ उसे मैं। तो फिर हम एक काम करते हैं, चल के सारे मंदिर घूमते हैं। चल, पर तू उसके बारे में अपने बाप से बात करेगा ना? पहले उस लड़की के बारे में जानते हैं, उसके बाद मैं अपने घर में बात करूंगा। हाँ, चल। क्या यार, कितनी सीढ़ियाँ हैं और कितना चढ़ना पड़ेगा। बस और थोड़ी ही दूर है, चलो। और वैसे भी मंदिर आकर ऐसा नहीं कहते। चलो। अबे, मुझे एक डाउट आया है, अगर वो लड़की दिख गई तो उसे क्या कहकर पुकारेगा, और तू उससे क्या बात करेगा? मुझे पता होता तो तुझे लेके आता क्या? अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है, मैं पड़ोस वाली आंटी की बेटी को लाइन मारता हूँ ना, ठीक वैसा ही करो, फिर देखना वो आपसे पट जाएगी। एक बार करके बता बेटा। ऐसे जो लोग रोड पे खड़े होते ना, उन्हें बुला रहा हूँ ऐसा लग रहा है। मेरी रेंज के हिसाब से कुछ बताना यार। भाई तो इसमें क्या है, रोड पे दो लड़की ले जाके ढोल बजा बस। क्या यार, तुम यहाँ बैठ कर थप्पड़ मारते रहो, घड़ी में 12 बज चुके हैं और भाभी का ड्राइवर वहाँ हॉर्न मारेगा और भाभी घंटी बजा के चली जाएगी। वो यहीं पे है क्या? हाँ वो देखो ना। ए, चल, चल, ए, चल, चल, चलो। गांव के मंदिर में कितनी शांति है ना। ठीक है, प्रसाद लिया ना। और बता यार, तेरे फ्रेंड्स कैसे हैं? All are fine. स्टडीज के बाद सभी कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं। ठीक है, चलते हैं, चल। भले ही ये नारियल गलती से मुझे लगा, लेकिन इस नारियल में मुझे उसका प्यार नजर आ रहा है। पर मुझे नारियल नजर आ रहा है। मैं मंदिर का घंटा हूँ क्या जो बार बार बजा रहे हो? वैसे नारियल खाने में गलत क्या है? नारियल खाना गलत नहीं है, बल्कि तू वो नारियल खा रहा है जो मेरे प्यार की निशानी है। नारियल की बात छोड़ो ना, वो देखो भाभी चली गई। कहाँ चली गई? कहाँ गई यार? यही होनी चाहिए, वो देख वहाँ है। ए राजू सुनना, ये लेटर ले जा करके अपनी बहन को दिया। मैं नहीं जाऊंगा भाई, ऐसे काम से मुझे बहुत डर लगता है। अबे लोग तुझे देख के डरते हैं, तू जाना है? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। अब जाएगा?
लेटर कहाँ है? ये ले, जा जल्दी देख क्या। अबे जाना यार। ए, क्या है? कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा हूँ, किसी ने धक्का मारा है दीदी। किसने धक्का मारा? क्या मैटर है? ये लेटर है दीदी, इसमें मैटर है दीदी, मेरे लिए वहाँ पर क्वार्टर रखा है दीदी। क्या है, पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है? पागलों जैसी बातें नहीं कर रहा, ये जीजू का लेटर है। कहाँ है? कोई तो दिख नहीं रहा। अब क्यों रहेंगे दीदी, उनका काम हो गया। कुछ लोग ऐसे ही फंसा कर चले जाते हैं दीदी। छी, गधा कहीं का, चल चलते हैं। चल। दोस्त बहुत कमीने होते हैं, उन पर कभी भरोसा मत करना। आ रहा है, आ रहा है। आ गया भाई। क्यों भाई, नहा के आ रहा है क्या? ऐसे मत दिखाओ कि कुछ पता ही नहीं है। सॉरी यार, वैसे भी तू नहाता तो है नहीं, कम से कम आज नहा तो लिया। गरीबी ने लूटा घर भी है फूटा, एक दिन मैं पहनूंगा सूट और चलूंगा गाड़ी में घूमूंगा, एक दिन करूंगा मैं मौज, गरीबी जाएगी तेल लेने और मैं करूंगा। क्यों रे, आदर्श बेटे की तरह मेरे पैर क्यों छू रहा है? आदर्श बेटे की तरह नहीं, भिखारियों की तरह पैर में पड़ा। भिखारी तू दिख ही नहीं सकता, मेरा फेस देख कभी लगता हूँ मैं भिखारी हूँ। सच बोल देते हैं। क्या बोल रहे तू? पापा, आप अपने बहू के पिता से। आइडिया। वैसे उसकी फैमिली नागार्जुन की फैन है। मतलब तेरे होने वाले ससुर की पहचान नागार्जुन की फैमिली से है क्या? तब तो हमें भी एक्टिंग करनी होगी। करेंगे एक्टिंग, करेंगे। बचपन से मैंने बहुत सी एक्टिंग की है। तुझे कुछ फिल्मों के नाम बताता हूँ। पहला नाम शहर की जवान लड़की, लड़का खिलाड़ी, लड़की अनाड़ी, दिल दिया दर्द लिया, दिल आया मेरा कार वाली लड़की पे, बाप का बदला बेटे से, संदेश सोनिया। बेटा ये सब तो वो फिल्में हैं जिसके नाम मुझे याद है, जो याद नहीं है ना वो तेरी माँ के दिमाग में होगी। अरे सुन, इधर आ। हाँ पापा। ए, तुम इधर आ, इधर आ, इधर। अब मैं सब समझ गया, आज से तू अपने लव पे लग जा। मैं बताता हूँ अब हमें करना क्या है। चल घर आ जा। समझ गया, आज से अपना गेटअप सेटअप सब चेंज। सर आप कौन हैं? ओह समझ गया मैं, आपकी कार पंचर हो गई होगी और पंचर शॉप ढूंढते हुए आ गए होंगे। सॉरी सर, यहाँ कार का पंचर नहीं बनता, पंचर ठीक करवाना है तो आपको शहर जाना होगा। बस कर गधे, मैं हूँ बे, क्या कर रहा है भाई? ये क्या है, आपका गेटअप तो देखो जरा। ये सब किस लिए भाई? तेरी भाभी के लिए, ओल्ड इज गोल्ड। तो फिर एक मिनट। वैसे ये ड्रेस कैसा है? ड्रेस तो अच्छा है, पर उस लॉन्ड्री वाले को जानते हो तुम? उसकी दूसरी बेटी को भी मैंने आंख मारी। तुझे ऐसे देख रहा हूँ तो लग रहा है मेरा काम हो जाएगा, चला जा तू मेरे साथ। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ओम जयंती मंगला काले भद्रकाली कपालिनी नमो दुर्गाये। पंडित जी ये मेरे तरफ से 100 रुपए हैं, प्यार के देवता से प्रार्थना कर दीजिए। देवी के मंदिर में प्यार के देवता से प्रार्थना? कंफ्यूज मत होइए पंडित जी, प्यार के देवता पे दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। बहुत देख लिया उनको, जिस काम से आए हो वो काम करो, नहीं तो वो मिस हो जाएगी। चलो अब। ठीक है। हाँ। थोड़ा हटेंगे, मुझे जाना है। I love you. What? पागल कहीं के आईने में शक्ल देखी है? चप्पल निकाल के मारूंगी। चप्पल निकाल के क्यों मारना, अपने होठों से भी मेरे गाल पे मार सकती हो। ए इडियट, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और तुमसे प्यार करूँ? अगर नहीं जानती हो तो क्या हुआ, दिखने में तुमसे सुंदर तो हूँ ही, इतना ही काफी है प्यार के लिए, प्यार करोगी तो फायदे में रहोगी। अच्छा मेरे सामने फिल्मों के डायलॉग मार रहे हो? मूवी वाले मूवी के ही तो डायलॉग मारेंगे। तुम लोग मूवी वाले हो, कभी देखा नहीं मैंने। अरे मैं डायरेक्टर हूँ, मूवी में कैसे देखोगी, सब कुछ पर्दे के पीछे से करता हूँ मैं। ओह सॉरी सर, आपको बहुत बुरा भला कह दिया। वैसे आपका नाम क्या है? अमाला चैतन्य। मतलब? नागा मामा जी को अमाला पसंद है और मामी को चैतन्य पसंद है, आधा मामा से लिया आधा मामी से लिया, तो मैं बन गया अमाला चैतन्य। ओह
वैसे उनका और आपका क्या रिलेशन है? नागार्जुन मेरे मामा जी। अमला कौन है? वो मेरी मामी है। ओह वाओ नाइस। तो फिर तुम मुझसे क्या प्यार करना चाहते हो? भले ही मैं फॉरेन में रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी शादी किसी इंडियन लड़की से करूँ, तो मेरी मामी कहीं पे मेरे लिए रिश्ता देख रही है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। Nice. जब तुम पैदा हुई थी तभी सोचा था किसी हीरो से तुम्हारी शादी कराऊंगा, किसी ऐसे को ही अपना दिल देना। वैसे मुझे आपके साथ टच में रहने के लिए करना क्या होगा? मुझे अपना नंबर देंगे? आप भी ना, मेरा विजिटिंग कार्ड ले लीजिए। मुझे पहले अपने डैडी को बताना होगा। मैं जाऊँ क्या? जाइए जाइए जाइए। पापा, पापा। क्या हुआ बेटी, बहुत खुश नजर आ रही हो? मुझसे एक वीआईपी प्यार करता है। वीआईपी? बाबूराव जी। मालिक, इस गांव में अगर किसी का नाम वीआईपी है तो उसे जल्दी से लेकर आओ। ठीक है मालिक। अरे पापा, वीआईपी कोई नाम नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है वो। इतने बड़े आदमी से तुमने क्यों प्यार किया बेटा? अपनी उम्र के लड़के से प्यार करना चाहिए ना। अरे पापा, आपको कैसे समझाऊं मैं? आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो नागा अर्जुन जी के लेवल की बात है। मतलब? अरे नागा अर्जुन का भांजा है। नागा अर्जुन जी का भांजा है? पापा, पापा। नागा अर्जुन का भांजा है वो? तुम बहुत खुशनसीब हो बेटा, तो फिर कल सुबह उन्हें खाने पर बुलाओ। ठीक है पापा। और कोई बात है? मुझे अगर पसंद भी आ गया तो आपसे पूछे बिना मैं कोई काम नहीं करती। मैं प्यार कर सकती हूँ? तुम्हें पसंद है ये बात उसे न बताकर मुझे बताई, ये मुझे पसंद आया। नागार्जुन का भांजा है मतलब ये हमारी खुशनसीबी है। वैसे भी वो हमारे गांव क्यों आए हैं? हमारे गांव में शूटिंग है इसीलिए आए हैं यहाँ पर, उनकी फैमिली भी आई है यहाँ। अच्छा, तो फिर उन्हें भी खाने पर बुलाओ। मेरी गुड़िया हो ना, मेरी बेटी हो ना, उन्हें किसी भी तरह खाने पर बुलाओ। ओके पापा, कल आने को कहती हूँ। मुझे देर हो रही है, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ, तुम इस काम पर लग जाओ बेटा। ठीक है? ओके पापा। ठीक है। सर अभी क्या कर रहे होंगे? ठीक है, कॉल करती हूँ। हाँ नैनी, बोलो। कहाँ हैं आप सर? कुछ नहीं, बस साइकिल सेट कर रहा हूँ। हाँ क्या कहा? मतलब साइकिल को दो दिन शूटिंग में यूज करना है ना, तो उसे सेट करने का प्लान बना रहा हूँ मैं। वैसे इस समय क्यों फोन किया तुमने? कल मेरे पापा ने आपकी फैमिली को लंच पर बुलाया है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे अपना शेड्यूल देखना पड़ेगा। पूछ लेना, पर पहले लंच पर आ जाना। हे नैनी, नैनी मेरा फोन काट दिया। अरे ये पंचर तो बना के जाना। लगा के काम चला। अरे रुक दो, अरे रुक जा। अरे अरे आ जाऊंगा ना अभी, अरे आ जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। जाना है। अरे रुक। इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है, जैसे कोई बर्बाद हो गया हो। अरे कुछ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बर्बाद होने वाले हैं। कल सुबह तुम्हारी बहू के पिताजी ने हमें खाने पे बुलाया, मैं तो टेंशन के मारे मरा जा रहा हूँ। इतनी खुशी की बात को इतने टेंशन के साथ क्यों बता रहे का देखें क्या? असल में मेरी काबिलियत कब पता चलेगी? जब मैं एक्टिंग करता था तभी मेरा टैलेंट दिखता था। इतने सालों के बाद तेरे ससुर के घर पे जाके अपना टैलेंट दिखाऊंगा मैं, मेरा टैलेंट देख के सब फ्लैट हो जाएंगे। तू टेंशन मत ले रहे। आप हैं इसी बात की तो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन। तू मुझे कम मत आंक, मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ। नाटक में एक नाटक के एक्टर को फोड़ दिया था मैंने, समझा क्या? पर सितारा ने तो कहा था कि आपने स्टेज फोड़ दिया था। ये सितारा भी सब बता देता है, तू टेंशन मत ले, बेफिकर होके जा और सो जा। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ सोने, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तू हर चीज में डरता क्यों है रे? वो देख, तुम अपना काम करो। क्लीन करूंगा, ग्रीन करूंगा, इंडिया को मैं हरा भरा किसी भी एंगल से मैं तुम्हारा बेटा नहीं लगता हूं। टोकरी में डालूंगा, सर पे उठा के ले जाऊंगा। ये घर है कि ताजमहल? नमस्ते जी। नमस्ते। आइए आइए आइए। नमस्ते जी। नमस्ते।
आइए अंदर। आ जाओ। इनका घर कितना बड़ा है। आराम से, आराम से, आराम से बैठिए। ठीक है। आप भी बैठिए। जूस जूस लीजिए ना दीदी जी। बॉस है, फोन पे फोन, फोन पे फोन, क्या करूं मैं? किसका फोन है? और कौन होगा जी? वो अपना एक्टर नागार्जुन है ना, वो मेरा साला है। तो फिर उठाइए, 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 उठाइए। तो आपने बोल दिया, अगर उठाऊंगा ना तो बोलेगा चलो फॉरेन कंट्री चलते हैं, तो मैं चला जाऊं क्या? बोलो चला जाऊं क्या? अगर ये चले जाएंगे तो रोड कौन क्लीन करेगा? ध्यान से मैनेज करो, बड़े होने के नाते पापा की जिम्मेदारी आप पर ही आएगी। रख। तो फिर छोड़ दीजिए। हाँ, ये आपने अच्छा कहा। वेट, आई विल मैनेज, आई विल मैनेज। ये है पैक। सुनिए जी, लड़की कितनी सुंदर है ना जी, साक्षात लक्ष्मी देवी हमारे घर आ रही है। लक्ष्मी देवी लगती नहीं, लक्ष्मी देवी ही है, हमारे घर ही आएगी। समझी जी, वैसे तो आपका घर देखे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे रेंज से देखे तो बहुत ही छोटा है। लड़की पसंद आई इसलिए सगाई कब रखनी है बता दीजिए समझी जी। अब वो हमारा बेटा ना बहुत बड़ा डायरेक्टर है, अब वो शूटिंग, सेटिंग, फिटिंग, कटिंग सब करता है ना, इसीलिए मैं अपने पंडित से पूछ के एक अच्छा मुहूर्त देख के आपको बता दूंगा, है ना, फिर हम लोग सगाई भी कर लेंगे, क्या कहती हो? तो चलिए समझी जी, खाना खाते हैं। हाँ चलते हैं ना। ये बहुत शर्मा रहे हैं। शर्माना कैसा, हम तो छोटा घर है मानते हैं, फिर भी हम खाएंगे। चलो 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 चलो, यही तो संस्कार है। Hey dad, today we have shoot. I love you nut samrat. आपका भांजा मेरा दामाद कैसे बन रहा है, मैं आपका समधी कैसे बन रहा हूँ, ये सब सपने की तरह है। इस खुशी के मौके पर मेरी बेटी और दामाद आपके गाने पर अगर डांस करेंगे तो मेरे स्वामी मजा आ जाएगा ना। नानी। हाय, कहाँ हो? और कहाँ, साइकिल के दुकान में हूँ। क्या कहा, साइकिल के दुकान में? अरे वो उस दिन कहा था ना शूटिंग के लिए साइकिल चाहिए, इसीलिए यहाँ आया हूँ। ओहो, अच्छा। एक्चुअली मामा जी ने एक आर्ट डायरेक्टर को रिकमेंड किया है और वो अभी बहुत ज्यादा बिजी है, तो मैं यहीं बैठ के उनका इंतजार कर रहा हूँ, आ जाए तो सबको सेट करूँ। ओह अच्छा, मेरे पापा फिल्मों के पीछे बहुत पागल है, कह रहे थे शूटिंग देखने आएंगे। अच्छा, ओके बाय। नानी, 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 आर्ट डायरेक्टर आप अपना काम अच्छे से करना, मैं अभी जाके आता हूँ, ठीक है? इसमें मेरे 200 करोड़ लगे हैं। कम से कम इस महीने तो बैंक की किस्त भर दी मैंने। क्या हुआ रे, भाग के क्यों आ रहा है? मेरी होने वाली बहू को बर्बाद करने का प्रोग्राम बनाया है क्या? प्रोग्राम बर्बाद करने का नहीं है, सब कुछ लुटाने का है। उसे डायरेक्टर हूँ ये तो कह के चले आए हैं, परसों गाँव में शूटिंग है ऐसा आपने उनके पापा से कहा था, कल वो शूटिंग देखने के लिए आ रहे हैं, बताइए हम क्या करें? तब तो ये सच में अपना लुटिया डुबाने वाला प्रोग्राम है। तू ना जाके एक काम कर, अपनी माँ को ना अमीर बना के रेडी कर दे, मैं शूटिंग का कुछ सेटअप करता हूँ, ये ले। अच्छा वैसे लोकेशन कहाँ है? ए चलो चलो उठाओ आराम से। हाँ ठीक है ठीक है। वीवी लाइट कहाँ है? बहुत अच्छे फीचर्स हैं। हाँ बढ़िया, स्पॉटलाइट भी है। उसको बोलो चलाने को। सर इधर आइए, आइए। मैं ये मेरे डैड हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। उसको बोलो कि शॉट पर है। 200 करोड़ लगा के फिल्म बना रहे हैं हम। थोड़ा इधर करना, बढ़िया ठीक है सर, अभी रेडी है शॉट। अच्छा ऐसा है क्या? जैसे आप काम में मगन हो जाते हैं वैसे ही दामाद जी भी पूरी तरह मगन हो गए। नमस्ते समझी जी, लगता है सभी लोग बिजी हैं। बिजी नहीं तो और क्या करेंगे जी, जो चाहिए वो पाने के लिए बिजी तो रहना होगा ना। क्या चाहते हैं आप? मतलब फुटेज, सिनेमा, अकेले नहीं, फैमिली, सुपर हिट होगी तो सुपर, फ्लॉप होगी तो बर्बाद, इसीलिए टेंशन, एक्शन। वैसे आपका छोटा बेटा क्या करता है? क्या करता हूँ, पूरे टाइम यहीं पर पंक्चर लगाता हूँ। पंक्चर लगाता हूँ मतलब? मतलब इंग्लिश मूवी देखते हैं? देखता हूँ सर। बैटर्स, जंगल बुक, मंकीज, ग्रुप करता है।
अच्छा वैसे अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं क्या आप? हाँ बेटी के लिए रिश्ता देख रहा हूँ ना, बिल्कुल देख रहा हूँ। सुपरस्टार अकेनी नागार्जुन बॉयज अकील फिक्स, रिश्ता तय 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 हो चुका है। ये शूटिंग फिनिश होते ही मेरा बेटा अपने मामा जी से बात करके आपके बेटी से शादी करने का फैसला किया है। अच्छा है समधी जी, अब मैं चलता हूँ। बहुत अच्छी बात है, जाइए। इसीलिए मुझे अपने बाप से डर लगता है। पापा ये आपने क्या कर दिया पापा? हाँ? आपने जो आज काम किया उसके लिए मुझे बड़े आदमी से क्षमा मांगनी पड़ेगी। अरे मुझसे बड़ा कौन है? बॉस, आपने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों की हेल्प की है और मूवी में तो बताने की जरूरत नहीं है। सभी की रक्षा करते हैं आप, रखवाले हैं। हमें प्यार करना सिखाया मजनू बनके, प्यार के बारे में बताया दिलदार बनके। आपके बारे में जितना बोलूं उतना कम है बॉस। मैंने अपने प्यार को पाने के लिए आपका इस्तेमाल किया है, आपको इस्तेमाल करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा बॉस। इस तरह के डायलॉग सुन करके तो मेरा ससुर पागल ही हो जाएगा। ससुर जी आ रहा हूं मैं, रेडी रहना। यहाँ पर आइए ना पापा। यहाँ क्यों बेटा? तुम जाकर आओ बेटा। अरे आइए ना। ये क्या है बेटी, मैं मंदिर नहीं जाता तुम्हें पता है ना, मुझे क्यों लेकर आई? चलिए ना पापा, मेरे लिए बस एक बार प्लीज। ठीक है बस एक बार आऊंगा। ओके वैसे भी भाई तुम किसी तरह तो उल्लू बना ही लोगे, पैर में चोट लगी है ऐसी एक्टिंग कर रहे हो। उस दिन आधे अंधे की एक्टिंग की थी, अच्छी एक्टिंग करते हो तुम। तो मुझे क्या कम समझाए क्या, एक्टिंग में माहिर हूँ माहिर। उस दिन मेरी एक्टिंग से नागेश्वर राव को उल्लू बना के तुम लोगों को एक हफ्ते का खाना खिलाया मैंने, और वो भी पेट भर भर के खिलाया था। हाँ ये है मेरा टैलेंट। तेरा टैलेंट बहुत बड़ा है। मुझे धोखा दिया तुम लोगों ने। मेरे पापा को कोई धोखा देता है तो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। फिर से ऐसा किया तो समझ लेना। सुनो जरा कार रुको। यस सर। अपनी तो जिंदगी कचरा साफ करते ही। अरे बाप रे ये तो इधर ही आ रहे हैं, अब मैं कहाँ जाके मुंह छुपाऊं? समधी जी आप ये आइए समधी जी, इधर जाइए। आपको तो अकेली फैमिली का पता है, उन दिनों में दान करते हैं और इन दिनों में सफाई अभियान करते हैं। वो अपना है ना स्वच्छ भारत अभियान, वही तो। हफ्ते में एक बार कोई ना कोई सेंटर देख करके अगर कचरा नहीं उठाया ना तो मुझे नींद ही नहीं आती, खाना भी नहीं खा पाता हूँ। सच है समझी, अच्छे लोग ऐसा काम करके कहाँ पहुँच जाते हैं। सही कहा, वही अच्छा, जाते हैं। आपकी पूरी फैमिली ऐसी ही है ना? वही तो, ये भी यहाँ का धूल उठा के पड़ोस में कचरा भी उठाने जाना है ना। धूप में आप काले हो जाएंगे। करते रहिए, जाइए 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 जाइए। आप जाओ 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 जाओ, मैं कचरा साफ कर लेता हूँ। चलता हूँ समझी जी। लादे सही कहा। देखो भाई क्या कर रहे हैं। अरे ₹5 चाय पीने के काम आएंगे। क्या है तूने मुझे मंदिर का भिखारी समझ रखा है क्या? ए लड़के गाड़ी में बैठ। ओके। ए लड़की को लेके बैठ। चुप रहे ना, कितना चिल्ला रही है? चुप कर, शांति से बैठ। बोला ना चुप कर, शांत बैठो। निकल चलो, चलो बाहर निकलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो, जाने दो मुझे।
शोर मचाती है, चुप रह, चुप खड़ी रह। पिताजी भाई, ये क्या हो गया तुझे? नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा, अपनी आंखों को। बेटा क्या हुआ इसे? चलो 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 जल्दी करो। हे भगवान, क्या हो गया इसे? लगता है वाणी को कुछ हो गया है, हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आए हो? चलो चलो शहर में ले चलते हैं। तुम्हें एक सच बात बतानी, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। मैं सच कह रहा हूं नैनी, अगर आज भी मैंने तुम्हें सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें धोखा दूंगा। तुमसे प्यार करने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। मेरे पिताजी के कहने पे मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं नागार्जुन की फैमिली से हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए ऐसा किया। बेटी, नानी, 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 अरे भाई क्या हुआ? अर्जेंट लगी तो बाहर जाके करना। हाँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, नमस्ते आंटी। नमस्ते। आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है। आइए दिखाती हूँ, आइए। पापा ये क्या माँ, इतने बड़े हॉस्पिटल में? ये ही यहाँ लेकर आई है बेटा। बेटा तुम इस लड़की से जितना प्यार करते हो ना, ये भी तुमसे उतना ही प्यार करती है। अकेला बेटी देवी है। अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? माफ करना नैनी, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है, ये बात मुझे अब समझ आ रही है। पागल कहीं के, जो लोग प्यार करते हैं वो अपने माता पिता को भी बताने में बहुत ज्यादा डरते हैं। ऐसे में तुम्हारी फैमिली मेरे लिए आई, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई। किसी भी कीमत पर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। आई लव यू, आई लव यू। मैं चलती हूँ, पापा इंतजार कर रहे होंगे। बाय बाय। नागार्जुन शक्ति देना, नागार्जुन धन देना, नागार्जुन शांति देना, नागार्जुन आशीर्वाद देना, नागार्जुन कृपा बनाए रखना, नागार्जुन शक्ति देना। हमेशा तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखता हूँ, आज उदास क्यों लग रही? मालिक, क्या हुआ? आपका जो पुराना नौकर है वो आपको धोखा देकर भाग गया है। चलिए मालिक, उसे छोड़ूंगा नहीं। सुनिए जी, अगर वो मिला तो उसे आज दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूँ। मेरे पापा को नौकर ने धोखा दिया ये पता चला तो इतने गुस्से में जा रहे हैं, मतलब मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके बारे में पता चला तो। क्या
क्या हुआ नैनी, अर्जेंटली फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? कुछ नहीं, मेरे पापा का गुस्सा कैसा है कल पता चला। इससे पहले भी ऐसे ही एक बार देखा था मंदिर में गरीबों को मारते हुए। ये सब सोचकर तुम्हारे लिए डर लग रहा है मुझे, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए तुम्हें अर्जेंटली बुलाया। तुम इतना डर क्यों रही हो? कल सुबह मैं तुम्हारे पापा के पास आऊंगा और उनसे कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। इन सब नाटक के बारे में उन्हें बताऊंगा और वो तुम्हारी शादी मुझसे कर देंगे। अच्छा, मेरे पापा को सच बताओगे? गन लेकर शूट कर देंगे वो तुम्हें। अरे बाप रे, तो तुम ही बताओ क्या करूं? इसीलिए अक्कल लगाओ, जैसा पहले था वैसे ही कंटिन्यू करते जाओ। मैंने कहा कंटिन्यू करो, समझ गए ना? ठीक है, तो मैं जाके अपने पापा से बात करता हूं। तुम जाओ। हां ठीक है। पता नहीं कौन सी रोड साफ कर रहे होंगे वो अभी। हाँ सर, हाँ सर, मैं सेवेंथ रोड साफ कर रहा हूँ। मैं ऊपर का काम देख रहा हूँ, अनु नीचे का काम देख रही है। सर सर, शाम तक पूरा क्लीन करने की, काम खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, आप रखिए। हाँ ठीक है। हाँ, एसी में बैठ के ना कुछ भी बोल सकते हैं, जब गर्मी में काम करना पड़ेगा ना तो पता चलता है। हाँ, अरे इसकी तो सर, मैं तो काम कर रहा हूँ सर, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं कितना बिजी हूँ आपको पता है क्या? धूल साफ करनी है, कचरा साफ करना है, फिर सबको उठा के डब्बे में डालना है, बहुत काम है। अरे समधी जी, मैं बोल रहा हूँ। समधी जी। इसकी तो कैसे कॉल किया आपने? परसों सगाई रखे क्या? परसों सगाई? हमारे नागार्जुन और बाकी की फैमिली नहीं आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना समधी जी। बेटा भी नहीं मानेगा? क्या कहा? बेटी भी नहीं मानेगी। अच्छा, वो इस बार समाज में ना सारे बुरे लोगों को निकाल के अच्छे लोगों की टीम बनाऊंगा, ये बोल रहा हूँ आपको, सच कह रहा हूँ। रखता हूँ जी। अरे तेरी तो ये कोई मामूली इंसान नहीं है, पीछे ही पड़ गया, जान खा रहा है। बाप रे, पता नहीं मेरा बेटा इसकी बेटी का पति बनेगा या नहीं, पर ये तो मेरा पति बन गया है। हाँ, तेरी तो। हाँ, अब ये कौन है? अबे सर, पक्का आता हूँ जी, काम खत्म करके ही आऊंगा ना। आता हूँ, रखता हूँ। हाँ, चार्जिंग नहीं है ना, फोन कट जाएगा तो बुरा मत मानिएगा। तेरी तो फोन स्विच हो जाए तो ये अच्छा रहेगा। काम करने का मूड ही चला गया। ये क्या समरी जी की कार लग रही है? नमस्ते सर। नमस्ते। आइए। क्यों भैया जी, कैसे आना हुआ? कोई खास बात है क्या? अरे बाप रे। कुछ नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मेरे पीछे ही क्यों आ जाता है, दम चिपकू है ये। बाप रे, अगर पकड़ा गया तो जिंदगी बर्बाद कर देगा। परसों मेरी बेटी की सगाई है, उसमें आपको अपने परिवार के साथ आना होगा। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, भाग जाना चाहिए। आइएगा जरूर, भूलिएगा मत। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं जरूर आऊंगा। चलता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ रामदास, नागार्जुन। सर सर सर, बोलिए। चोरी मत करो, तुम्हारा नंबर मेरे पास कैसे आया ये सोच रहे हो ना? मुझे जिसका भी नंबर चाहिए मेरे लिए खोजना मुश्किल नहीं है। आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। बोलिए, करूँगा, बोलिए। कल मैं नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा शूटिंग में बिजी हूँ, आप ही को मैनेज करना होगा। ओके ओके। मेरे जीजू ने आपके बारे में बताया था, मेरे भांजे ने भी आपके बारे में सब बात मुझसे कही थी। शूटिंग में बिजी होने की वजह से ही मैं सगाई पर नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है सर, यही बात है, शादी में तो आएंगे ना? आऊंगा, थोड़ा बहुत लेट होगा तो चलेगा ना? आप मेरे भगवान हैं, भगवान की राह देखना ही मेरी परीक्षा है। ठीक है, आपके लिए मैं जरूर आऊंगा, सर चिंता मत कीजिए। ठीक है। पर एक छोटी सी बात है। क्या है सर? मैंने फोन किया, ये बात जीजा जी को मत बताना। अरे दे, नहीं बताऊंगा सर, नहीं बताऊंगा। छोटा सा खेल खेलते हैं। ओके ठीक है सर, मैं आपको खुद कॉल करूंगा। ओके सर। मैंने जो कहा समझ गए ना? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा सर। तो फिर अभी रखता हूँ। ओके सर, बाय। ओके बाय बाय। ओके प्रणाम। आ गए क्या? जल्दी जाके ऊपर सब तैयारी देखो, जल्दी।
बेटी रेडी हुई कि नहीं देखो। ए, जल्दी बांधो। जी साहब। समधी जी अब तक नहीं आए, इनका सेवा कार्यक्रम ज्यादा ही होता है। अच्छी सजावट की है। डेकोरेशन का अगर ये रेंज है तो शादी के डेकोरेशन का कौन सा रेंज होगा? तेरे लिए इतना बड़ा बिल्डर पापा। तेरी जिंदगी के लिए इतने हलचल की जरूरत है क्या? क्या है ये सब? पापा वो देखिए आ गए। नमस्ते समधी। नमस्ते जी। अरे अरे आप है ना सुपर। आप इसी टाइम पर आएंगे, मुझे पहले से पता था। आपको कैसे पता अंकल? तुम्हारे बारे में सब पता है मुझे। स्पेशली किसी को हमारे पीछे लगा दिया है क्या? ठीक है, आपको एक बात पता है क्या? लगता है आपका जादू टूट जाएगा। फालतू की बकवास मत क्या कर, चमड़ी उधेड़ दूंगा। बात क्या है समधी जी? आज नागार्जुन जी नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं? मैम, डैड, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मामा जी नहीं आ रहे हैं। मामी हमेशा ऐसा करती हैं। तो फिर मुझसे सुबह क्यों बोला कि वो आएंगे? हमारी फैमिली की बातें हमें ही नहीं पता, आपको कैसे लिंकअप हो रहा है? समधी जी, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। पहले आप बैठिए। सुजाता, बिटिया को तैयार करो। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरे। लड़की को बुलाइए। के लोग आपस में थाली बदलिए। समधी जी, ये क्या सगाई की आखिरी में आने के बाद भी अभी तक ख्यालों में डूबे हुए हैं? कुछ नहीं समधी जी, खुशी में कल्पना कर रहा था। कट कीजिए ना। ओके कट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, शादी होने तक आपको यहीं रहना होगा। अब अरे रे रे, आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। वो क्या है ना जी, ये घर बहुत छोटा है, हम एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। नो 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 नो, आई हैव अ शूटिंग। एक्सटीरियर में शूटिंग करनी है तो रोड की लोकेशन डैडी को देखनी है। आई कैन नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। हमारी बात मत टालिए समधी जी, मैं सेब ले लेता हूँ। भाई ठीक है समधी जी, हमें ना वो रोड पे कुछ ज्यादा ही काम रहता है ना, तो अभी जाते हैं फिर आते हैं फिर जाते हैं फिर आते हैं ना। इसमें क्या बात है, ऐसा ही कर लेते हैं। रमेश, रमेश। हाँ भैया। समधी जी को उनका कमरा दिखा दो। ठीक है भैया जी। पापा ने मुझे कितने लाड प्यार से बड़ा किया है और मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ। मैं बहुत गलत कर रही हूँ। नैनी, क्या हुआ बेटी? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं आंटी। जो कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे ना, तो हम सच बता दें क्या? नहीं आंटी, अगर मेरे पापा को सच पता चला तो आपके फैमिली में कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। किसी भी तरह हम दोनों की शादी होने तक ये सच किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, अंदर जाकर सो जाओ। नानी, सब कुछ ठीक हो गया? तुमने मेरे पापा को कैसे पटा लिया? ये बात बहुत शॉकिंग है मेरे लिए। मेरे टैलेंट के बारे में तुम जानती नहीं हो। अरे बाप रे, पहली बार किया, शर्म आ रही है। बहुत एक्टिंग कर ली पर मुझे अब बहुत टेंशन हो रही है। मुझे भी, तुम्हें भी? चलो आओ बताता हूँ। जब परिस्थिति ऐसी हो ना तो इसे ट्राई करना चाहिए। मेरी आंखों में आंखें डालो।
भाई भाई अबे तेरी तो इसकी टाइमिंग हमेशा गलत रहती है। पापा बुला रहे हैं। पापा बुला रहे हैं। पापा जी आपने बुलाया क्या? हाँ बेटा तुमने सुहाग रात की तैयारी तो कर ली है ना? एक लीटर डेयरी का दूध तुम्हारे रूम में भिजवाया तो था। अरे ची 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 ची। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। नहीं पापा, भाभी को दीवार पर टिका कर पता है ये क्या कर रहा था? टिका दिया क्या? हाँ। ए, ये टिकाना सुलाना ये सब ना शादी के बाद करना। चलो जाओ जाओ जाओ। वो पापा हम आपस में दुख दर्द बांट रहे थे। ये सब कुछ बताना सुनाना सब कुछ शादी के बाद, अपना सेटअप सही होना चाहिए। चलो जाओ। अरे साथ में यही जाता है। डिसिप्लिन। इसके साथ घूम रहा है, इसे तो मैं बताऊंगा। अरे जल्दी आ ताला लेकर के। अरे टाइम कितना हुआ भाई? टाइम है? अरे शंकर भाई तुम? अरे ये क्या? अरे तुम कितने बदल गए? अबे मेरा गेटअप भी नहीं सेटअप भी बदल गया। इस घर का दामाद कौन बनने जा रहा है? चल बता बता ना। कोई शर्मा चक्रवर्ती होगा? शर्मा चक्रवर्ती नहीं बे, ये शंकर राव का बेटा होने जा रहा है। अरे वाह 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 वाह। अरे आज से 6 दिन पहले तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी वो तुमने करके दिखा दिया। अरे शंकर राव कौन है इस वक्त? अरे अभी चल उस दारू वाले को बताते हैं। चल हाँ ठीक है ठीक है। बुढ़ापे में जवानी आई है। अरे चलो लूट लूट लूट, उनको बैठने का जगह दे। क्यों भाई, सुना है तुम्हारे बेटे ने अच्छी लड़की सेट की है? तो क्या सोच रखा था मेरे बेटे को है? मेरा खून है। इससे तो आपका सेटअप भी बिल्कुल बदल गया है। अरे सेटअप भी नहीं, पूरा गेटअप भी बदल गया है। मैं कोई भैंस पे नहीं, हवाई जहाज पे घूम रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे सुन रहे, बिल 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 लेके आ। कितना हुआ? कितना हुआ बिल? सबका बिल लेकर आऊं? अरे सभी का नहीं बे, सिर्फ मेरा। 170 रुपए। हाँ ऐसे बोल। अरे भाई हमें लगा हमारा पैसा तुम भरने वाले हो। हाँ? भरने वाला था, भरूंगा भी, पर तुम लोगों ने तो कहा था कि वो बहुत बड़ा तोहफा धमाका करेगा, वो आके भरेगा। मुझसे पंगा मत लेना रे, चल के भसम हो जाओगे। हाँ आता हूँ आता हूँ। लेकिन कुछ भी कहो, अंडरवेयर और बनियान के बिना लुंगी पहनने का और करीम बीड़ी जलाने का सुख ही कुछ और है। इस गेटअप की तो आदत ही नहीं है। वैसे तू क्या कहता है बेटा बता? याद कर रहा हूँ कि इन कपड़ों को फेंका कैसे जाए। ये याद मत कर, अच्छा नहीं होगा। जय हो नागार्जुन जी। बाप रे, क्या हुआ? ससुर जी हमारे कमरे में आ रहे हैं। अरे बाप रे, ये कब आता है पता नहीं, कैसे आता है पता नहीं, एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्डअप ज्यादा है। बहुत काम है। हेलो अमाला भाभी, ऐसा कुछ नहीं है भाभी। अरे रे आप बेकार में ही परेशान हो रही हैं। ओके ओके। अरे भाई साहब पर आरती है। आप लोग क्या कर रहे हैं ये देखने आया था। और क्या करेंगे समधी जी, आपकी बेटी की शादी सोच रहा था कि अपने कन्विक्शन सेंटर में रखे या 8 एकड़ में सेट करें या अन्नपूर्णा स्टूडियो में रखेंगे, यही सोच रहे थे। अकिनेनी फैमिली। ठीक है समधी जी, और क्या हाल है? कुछ नहीं है समधी जी, अकिनेनी फैमिली है। आराम से जाइए। समधी जी फोन आ रहा है, ये तो ऐसे जा रहा है जैसे घर ही जला देगा। अरे अरे सच कह रहे हैं सर, दामाद जी शादी होने तक हमारे ही घर में रुकने वाले हैं। ओह अच्छा। हाँ। घर पर रखकर बहुत अच्छा काम किया। दामाद जी तो बिल्कुल आपकी तरह ही हैं। थैंक यू। वैसे सगाई कैसी रही? सगाई तो बहुत अच्छे से हो गई। और शादी की डेट कौन सी फिक्स की है? दरअसल अरे मुझे भी अपनी डेट फिक्स करनी होगी ना। 21 तारीख को सुबह 10:30 सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके सर मैं पहुँच जाऊँ। ओके ओके, इस बार आपको जरूर आना पड़ेगा, रखता हूँ। डार्लिंग क्या ची, कर ची, रही ची, हो ची, ची, अबे इस मोटू को क्या हो गया? उसने फोन पर किसी लड़की को पटा लिया यार, तुमसे इंस्पिरेशन लिया है। उसका तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा दिमाग जरूर खराब हो रहा है। वो तो कहो मेरा बाप मेरा सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो मैं कब का ऊपर चला गया होता। अरे ये आइडिया तुम्हारा है कि तुम्हारे बाप का पता नहीं? जब सच्चाई का पता चलेगा ना तो तुम्हारे और तुम्हारे बाप का स्वामी रंगा हो जाएगा। मुझे डरा के मत मार यार, इससे पूछ कि ये यहाँ आएगा या नहीं आएगा। अरे कालीचरण इधर आ। अच्छा करता हूँ, मेरे दोस्त भी मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, अभी तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है? वाह। अबे ओ दर्जी कहीं के, तू मेरी बात सुन, साड़ी पे फॉल लगाने वाली जैसी तेरी शक्ल है। वैसे एक बात बता, वो लड़की कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर कभी जा सकता है तू?
तुम लोगों से मिले काफी दिन हो गए थे, इसलिए आज मैं तुम लोगों से मिलने चला आया। मुझे लगा तुम लोग बदल गए होगे, लेकिन नहीं बदले हो, बिल्कुल भी नहीं बदले हो। बाय बाय। तो काला गेंडा कहीं का। क्या है ये, टाइम हो गया पर ड्राइवर नहीं आया। क्या फोन भी नहीं उठा रहा है। क्या हुआ समधी जी, इधर उधर 1-2-3 क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं समधी जी, बाहर जाना था, ड्राइवर नहीं आया अभी तक मेरा। अरे रे, इन ड्राइवरों का यही पंगा है समधी जी, इसीलिए मैं हर जगह पैदल ही जाना पसंद करता हूँ। क्या हुआ इतनी देर क्यों? साइकिल पंक्चर हो गई सर, इसलिए लेट हो गया। ठीक है कार निकाल। क्या हुआ समधी जी, इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? वो पंचर कैसे ठीक कर रही है देख रहे हैं क्या? ये सब अगी नैनी की दी हुई हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। मेरा बेटा पंचर से लेके क्लास में लेक्चर तक हर जगह टॉप ही रहता है। मानते हैं कि हम अमीर हैं, लेकिन रहते हम लोग नॉर्मल ही हैं। एक बार हम लोग फॉरेन जा रहे थे फ्लाइट में, तो क्या हुआ ना कि वहाँ पे हवा में फ्लाइट का टायर पंचर हो गया, तो मेरा बेटा वहीं पे निकल के टायर में हवा भरा और फिर पंचर ठीक कर दिया और फिर फ्लाइट अच्छे से उड़ के पहुँच गयी। आपके अकी नैनी जी की फैमिली सभी महान है समझी जी। मैं बताना भूल गया, वो खुश करके बोलता है। टाइम हो रहा है मैं चलता हूँ। जाइए जाइए, आपका समय कीमती है ना। ए, पीछे बैठ, मैं आगे बैठूंगा। ये तो आगे बैठ के जा रहा है। अरे बाप रे, इसके साथ सीन इम्प्रोवाइज कर करके दिमाग की बैंड बज गई। ए सुन दे, तेरी माँ कहाँ है? वो अंदर रेडी हो रही है। आप भी ना छोड़िए ना, इसी रूम में रह के तुम बहुत ही मुलायम और कोरी हो, एकदम मस्त कटर। और आप भी रंग बिरंगी शर्ट पहन के एकदम फूल जैसे लग रहे हैं। अरे ये शर्ट मैंने नाइटी के कपड़े से सिलवाई है। एक मिनट, कौन है इस टाइम पे? सर 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 सर, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। हाँ सर, आ रहा हूँ सर, अभी आ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, अभी आ रहा हूँ सर। वो क्या है ना सर, एक फैमिली प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, बस अभी आ गया सर, आ गया, पहुँच गया। कौन है तू? पागल हो गया क्या? जा यहाँ से। पागलों की तरह हरकत मत कर। नमस्ते संदीप। आइए संदीप जी। क्यों यहाँ क्यों बुलाए? हमारे जैसे बड़े आदमी को बंगले में सोना नहीं चाहिए, है कि नहीं है? काम करते रहना चाहिए। रुके, इस रोड को ना पूरा क्लीन करना है। रुके रुके, जल्दबाजी मत कीजिए। हमें? हाँ बिल्कुल। क्लीन करें क्या? मैं क्लीन नहीं करूँगा, आपको करना है। क्या मैं? अरे बाप रे, धीरे काम कीजिए ना, नागार्जुन जी से बात करने दीजिए। अरे फोन बात कीजिए ना, कुछ नहीं होगा, काम शुरू कीजिए। ए भाई दारा, ले क्या दे मुझे, इससे करना होगा। पकड़िए पकड़िए इसे, और यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा साफ कर दीजिए, कुछ भी गंदगी बचनी नहीं चाहिए। ये स्वस्थ भारत अभियान है, चलो चलो तुम लोग भी अच्छे से काम करो, अपने भारत को स्वच्छ बनाना है। समधी जी, सोचिए कि नागार्जुन की मदद कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, करते रहिए। dong 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 dong. Hello officer ji, ha pura clean karwa raha hu, ha meri guarantee hai, ha wo sab aap chhod dijiye, main sab sambhal lunga, tension mat lijiye, koi baat nahi hai।
हाँ, ये रोड होने के बाद ना वो बगल वाला रोड, उसके बगल वाला रोड, 32 वाला रोड, हाँ हाँ इतना ही ना। अरे कर मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। चलिए रखता हूँ, काम कर करके समधी जी का पेट तो पची जाएगा। लगे रहिए समधी जी। हो गया। अब बगल की गली साफ करनी है। असल में कौन है तू, पीछे पड़ा है? हमारे गुरुजी का बताया हुआ स्वच्छ भारत को आदर्श मानकर मैं ही जब स्वच्छ भारत करके खुश हूँ तो हर बार मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? असल में तू है कौन? जब जब मैं खुश होता हूँ हर बार आ जाता है, एक फूल देता है, वो भी लाल रंग का, मुझे अपने जैसा समझा है क्या? अरे भाई, अपना मोटू आत्महत्या की कोशिश कर रहा है यार, तू जल्दी आ। हाँ। ये क्या पागलपन है यार, इस उम्र में कोई आत्महत्या करता है क्या? आत्महत्या करने की भी उम्र होती है क्या? हे, तू इतना रोया लेकिन इससे कुछ हुआ क्या? हे, तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? तू बस बता, उठा लाएंगे हम। तुझे उठाने की जरूरत नहीं है, उसको मारने के लिए इसकी लुंगी ही काफी है। बहुत गलत हुआ है मतलब? हाँ। ये सच्चाई मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। नहीं, करके मुझसे मत पूछो। ए, चल तू बता। चीची, वो बकवास मैं नहीं बताऊंगा, इससे ही पूछ ले। उस दिन एक लड़की का मेरे फोन पर परिचय हुआ था ना, नाइग्रा वाटरफॉल है ना। उस लड़की को परसों मिला था, पीछे से देखा तो मेरे होश उड़ गए, पर आगे से देखा तो वो ये। तू मासोगे, इसीलिए अब तक बताया नहीं था मैंने। अच्छा ये बता, वैसे पिया क्या था? क्या है कि 5 लीटर की दारू की बॉटल में सिर्फ 4 बूंद बची थी तो उसमें फुल वाटर मिलाकर पी लिया। इसमें भी तेरी दारू नहीं छूटी ना। जब भी उसने तुझे फोन किया तू नाइग्रा वाटरफॉल कहता था। सच कहूँ तो तुझे बात करनी आती ही नहीं है गधे कहीं के। चल जाने दे, जो हुआ उसे भूल जा, मेरा बाप घर पे वेट कर रहा होगा, मैं जा रहा हूँ। इस बार थोड़ा देख के ट्राई करना, नहीं तो वो तुझे पतला कर देगी। अरे काली चरण। हेलो भाई जी, कल ही शादी है, तुम सबको जरूर आना होगा। जरूर आऊंगा, लेकिन मैं और मेरी फैमिली अभी फॉरेन में है और मैं शूटिंग में बिजी हूँ, लेकिन टाइम निकाल कर हम लोग जरूर आएंगे। ओके, मेरा भांजा और उसकी फैमिली मुझे बहुत पसंद है, मुझे उन लोगों से बहुत प्यार है। ध्यान देना कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, ठीक है? बाकी मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा, ठीक है ना? अरे अरे नागार्जुन जी, आप फिक्र मत कीजिए, दामाद जी की फैमिली को परेशानी नहीं होगी, ये जिम्मेदारी मेरी है। दामाद जी का हनीमून टिकट बनवा दिया ना? हाँ, आ जाइए, टिकट मेरे पास ही है। शादी की तैयारियाँ ठीक से हो रही है ना? और कोई खास बात? कुछ नहीं है, आप तो आ रहे हैं ना? भांजे की सगाई पर नहीं आ पाया, शादी के लिए जरूर आऊंगा, ठीक है? हम सब आएंगे। आपका आना मेरी बेटी की खुशनसीबी है। शादी की तैयारियाँ ठीक से कीजिए। हाँ। रखता हूँ। ओके बाय। रखता हूँ। हाय अंकल। हाय बेटा। हाय डैड। हेलो साले साहब। बेटा कहीं जाकर आ रहा है लगता है। बताना। शूटिंग स्पॉट पे गया था, स्टोरी का नारेशन था ना। वैसे तुम जो बना रहे हो उसकी कहानी क्या है? जूम करके ओपन करेंगे, हीरो पंचर बनाने वाला है, उसके पापा रोड साफ करते हैं, हीरोइन बड़े घर वाली है, उसके पापा की एक छोटी सी वीकनेस है और उसी वीकनेस का इस्तेमाल करके हीरो की पूरी फैमिली उसके घर में आ जाती है और लड़का लड़की भाग जाते हैं और इसी पे पिक्चर खत्म हो जाती है। कहानी बढ़िया है, आजकल ऐसी ही फिल्में बहुत हिट हो रही है, बहुत अच्छे से बनाना। कमाल है, बहुत बढ़िया। यस। हाँ यस। यस 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 यस। एक बहुत जरूरी फोन आया है, मैं बात करके आता। अरे तुरंत जाइए। ससुर जी सच में लाजवाब हैं। जितनी जल्दी हमारी शादी हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। सरस्वती। ए सरस्वती। ए सुजाता, घर में बहुत काम है, यहाँ बैठ के गप्पे लड़ा रही हो, जाओ 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 जल्दी जाओ। जा जा, बहुत काम है। सुनिए ना माँ, मुझे एक छोटा सा डाउट हो रहा है। हमने उनसे कहा कि हम नागार्जुन की फैमिली से हैं और वो लोग मान भी गए, उन्होंने हमसे एक बार भी बात करवाने को नहीं कहा, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तेरे बाप ने ही कुछ किया होगा। यस यस यस। बंद करिए आप अपनी अंग्रेजी, हिंदी में बात करिए। उनके बारे में बात करके आदत हो गई है अब तो। वैसे क्या किया आपने पापा? हो रहा ना, वो सब मैंने सिर्फ
किए। वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया। अरे बेटा, अगर मैं कमाल नहीं करता तो तुम्हारी माँ के साथ मिलकर तुम्हारे जैसे नमूनों को कैसे पैदा करता, इस टैंकर को कैसे पैदा करता, उसके बाद ये काला कौवा भी आ गया। अरे वो कौवे, जाके पूरा घर घूम ले, लेकिन रसोई घर में मत जाना, नहीं तो यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। अरे लड़की बहुत अच्छी है, एक बार ऊपर जाके बात करना। लड़की अच्छी है लेकिन उसका बाप ना एक नंबर का गधा है वो। तेरे बाप तो हमेशा यही कहते हैं, पर एक बार तू जाके देख के आना। ओह, ये तुम्हारा रूम है, मैंने सोचा कि मेरा है। अच्छा, तुम्हें लगा तुम्हारा रूम है? ये एक्टिंग मेरे सामने मत करना, मेरे पापा के सामने चलेगा। तुम टेंशन में होगी इसलिए तुम्हारी टेंशन खत्म करने आया हूँ। तो फिर ठीक है, आओ आओ, दिलासा दो, देखते हैं। मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तुम खुद ही आके करो। मेरे प्यारे बुद्धू, दिलासा देना नहीं आता, प्यार कैसे करोगे? हाँ बुद्धू कहीं के। कितना अच्छा लग रहा है ना? ये सब बाद में करना, अभी के लिए बाय बाय। प्लीज नैनी, हग तो करने दो ना अच्छे से, प्लीज। छे, छोड़ो ना, मुझे शर्म आ रही है। तो फिर मैं ही कर देता हूँ। अरे शर्म आ गई, लड़कियों से गले लगने में कितना मजा आता है। आरती ले लो। अंदर आरती देख के आती हूँ। हाँ जाओ। नागार्जुन जी, कल आप सभी आकर दामाद जी को मेरी बेटी को देखकर आपको जितनी खुशी होगी, आपसे पहले आपके सॉन्ग में कल्पना करके मैं खुश होता हूँ। ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम भामकेश आवाहयामी। दूल्हे को जल्दी बुलाइए। सुनो सरस्वती, सब काम ठीक से हो रहा है ना? हाँ हाँ, सब अच्छे से हो रहा है। सुना है कोई वीआईपी आने वाला है ना? थोड़ी देर रुको, सब तुमको पता चल जाएगा, तब तक अपना काम ध्यान से करो। ठीक है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। हेलो भैया जी, आप आ रहे हैं ना? हाँ हाँ आ रहा हूँ। हाँ, ओके। वैसे शादी की सारी तैयारियाँ हो गई है ना? क्या तैयारी? बढ़िया हो रही है। अन्नपूर्णा में करने का सोचा था, पर उन्होंने कहा कि आपके घर के पास ही करेंगे। तैयारियां तो अच्छी ही हुई होंगी ना, सब ठीक ठाक से ना? क्या पता, कुछ भी हो, अपनी हैसियत के हिसाब से हमने किया है। मैं आ रहा हूँ, जानकर सभी लोग बुला रहे हैं, उनसे थोड़ा बात करके आता हूँ। लग रहा है शादी के टाइम तक नहीं पहुँच पाऊंगा, थोड़ा लेट हो जाएगा मुझे। अगर आप नहीं आएंगे तो शायद दामाद जी दुखी होंगे। आप किसी भी तरह से मैनेज कीजिए। आप ऐसा चाहते हैं? हाँ। तो फिर ठीक है, मुझे लेट होगा। हाँ। ये बात भांजे को पता नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। और भांजे को दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, ख्याल रखिएगा। इसका ख्याल रखूंगा, मैं जुबान दे रहा हूँ, मैनेज करता हूँ, आप परेशान मत होइए। भांजा शायद परेशान करेगा, थोड़ा संभालिएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगा। जीजू को बहुत बुरा लगेगा, इसी बात की टेंशन हो रही है, क्या करूँ मैं। नहीं, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं हूँ ना। हम दोनों के खाने का इंतजाम एक ही रूम में कीजिएगा। मैं इंतजाम करूंगा। समधी जी को कोई शक ना हो इसलिए घूम घूम के खुद को बिजी दिखाना पड़ेगा मुझे। नमस्ते जी। नमस्ते। क्यों समधी जी, टेंशन में क्यों? क्या समधी जी, कैसी बात कर रहे, टेंशन में तो रहूंगा ना, मुहूर्त का समय निकल रहा है, नागार्जुन जी अभी तक नहीं आए। मेरे अरे सुनिए तो, पहले खिला खिला रहता था, अब बैठे बैठे सूख गया बेचारा। दया करके मेरी बात सुनिए, वहाँ मुहूर्त का टाइम हो रहा है, दामाद जी से बोलिए पहले मंगलसूत्र पहनाएं, वो तब तक आ जाएंगे। आएंगे कैसे, विश्वास करूं? आएंगे जी, मुझे भरोसा नहीं है। मुझे भरोसा है। क्या बात है, मेरा बाप इतना चिल्ला क्यों रहा है? हाँ है भरोसा। हाँ। ओके, आई विल मैनेज। हाँ। आप जाइए, जाइए जाइए। भगवान, लोग गधे होते हैं लेकिन ये तो गधे का बाप है। अरे मेरी किस्मत। क्या बात कर रहे हैं, सच में ऐसा है? मामी नहीं आ रही हैं, मुझे ये शादी नहीं करनी है। जब तक मामी नहीं आएंगी मैं मंगलसूत्र नहीं पहनूंगा। बचपन से वो ऐसा करती हैं, मामी ने कभी मेरा भला नहीं चाहा। बेटा कम से कम आज मेरी शादी में तो आ जाती। बेटे आप तो मुझसे बात ही मत करिए।
ओवर एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग में आ जा। आप इतना कह रहे हैं इसलिए मैं मान जाता हूँ। मामा जी की फोटो लगाइए, मैं उनके सामने मंगलसूत्र पहनाऊंगा उसे। I will manage. समझी जी? आप जल्दी से, अर्जेंटली नागा अर्जुन जी की फोटो विदाउट आरती। मंडप में आग लगी तो जल जाएगा ना। ठीक है समझी जी। नागार्जुन की फोटो पकड़ के आ रहे मुस्कुराते हुए समधी जी। सुनो छोटे मामा जी आने वाले हैं, आ गए क्या? देखो तो ठीक है। हाँ। एकदम ठीक, एकदम ठीक। आप अच्छे लग रहे हैं। क्या बात है। पहले अपने आराध्य देव का आशीर्वाद दीजिए, आइए। थैंक यू मामा जी, आप तो शादी में नहीं है, आपकी फोटो ही आ गई, यही मेरा भाग्य है। आशीर्वाद लो। तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरे समधी जी का भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और तो और यहाँ मौजूद सारे लोगों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीते रहो बेटा, खुश रहो। आयुष्मान, हमेशा खुश रहो। सरस्वती ये लीजिए। दामाद जी, हनीमून पर तुम दोनों मिलकर पूरा प्रदेश घूमकर हैप्पीली वापस आओ। ससुर जी भी मामा जी जैसा ख्याल रख रहे हैं मेरा। अच्छे से घूम के आना। हाँ उधर देखिए ससुर जी। ए, ये शादी किसी भी तरह रोकनी होगी, चलो। ससुर जी, दामाद जी आप रुकिए, मैं इन सबको देख लेता हूँ। अरे बाप रे, ससुर जी जा रहे हैं फाइट करने। चलो चलो हम लोग चलते हैं हनीमून मनाने। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो यहाँ से निकल लो। चल भागो भागो। मेरे भगवान पर हाथ डालते हो तुम्हारी तो। हाय, इन सब की एक एक करके हड्डियां तोड़ डालो।
तुम्हें कैसे उठाना है मुझे पता है। सेंटर फ्रेश, जीभ लपलपाई। तो कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ये हुई ना बात, तुम्हें माफ कर दिया, जाओ अब। मुझे माफ कर दीजिए। इन सभी लोगों को किसने मारा है? मैंने। असल में यहाँ कौन आ रहा है पता है? अकिनेनी नागार्जुन जी, मतलब मेरे गुरु जी। बस 5 मिनट वेट करो। सर, नागार्जुन जी यहाँ क्यों आ रहे हैं सर? ये तो कॉमेडी है सर, और ये दिखने में भी बैगन जैसा लगता है सर। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी दिखने में ऐसा ही दिखता है सर, उसके अंदर कीड़े होते हैं सर। शक्ल से तो ये गरीब लग रहा है और बातों से पहलवान लग रहा है। देखते हैं 5 मिनट में क्या होता है। सर, 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 नागार्जुन जी पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। हा? अभी फोन आया था। क्या कहा? नागार्जुन जी पुलिस स्टेशन आए हैं? सच में? क्या? सच में। तो फिर देर किस बात की? चलो फिर हटो। अब ले लिया ना, चल बाहर। थैंक यू सर। वकीलों को थैंक्स नहीं, पैसे चाहिए होते हैं। वो दे दिए, मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। अरे तुम बोल भी लेते हो? बोल लेता हूँ। अबे गधे, अगर बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो तुझे साइन करके बाहर कैसे निकलता? तुझे बहुत कुछ बताना है, चल अब। ये
ये प्रॉपर्टी किसकी है पता है क्या? किसकी है? तुम्हारी बेटी का जो पति बनाया ना, ये प्रॉपर्टी उसकी है। आंखें फटी रह गई ना। ये झाड़ू और टोकरी है ना, ये उसके पिता की है। अरे गधे, एक और सच बताऊं क्या? वो नागार्जुन का भांजा नहीं है, मेरा भांजा है। तेरा भांजा है? उसके पिता ने मेरे पिता से झूठ बोला और मेरी बहन को ले गया। उसका बेटा नागार्जुन का नाम लेकर के तुम्हारी बेटी को ले गया। अच्छा हुआ ना। ए, कितनी बार तुझे बताने के लिए आया था, तू मेरी बात सुनता तब ना। तेरी तो मजा आया। अब अकेले बैठकर खूब मजे ले, मजे ले, मजे ले। ए, गधा मैं नहीं हूँ, तू है। तू 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 है, तू 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 तू। हेलो। हाँ हाँ, जो हो गया सो हो गया। दामाद जी को नागार्जुन के बारे में बता करके अच्छा मौका दिया है। थोड़े दिन पहले ही जन्मस्थल फिल्म बना के हिट कर दी, अच्छे फॉर्म में है। हाँ, मामला पता करके दामाद जी से बात करता हूँ। समधी जी, समधी जी आए हैं, जरा इनसे बात कीजिए। कौन है? हेलो, कौन है? सर सर, आप है? अरे मेरे बेटे महेश का अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अक्की नक्की नागार्जुन के बेटे अखिल के साथ हरिदास, 5 लैंग्वेज में प्लान कर रहे हैं, वेलफेयर क्रिएशन। मैं एक बार बात करके बताता हूँ। हाँ ठीक है, ये लीजिए। इतनी जल्दबाजी में आ गए, मामला क्या है? जल्दबाजी नहीं तो और क्या जी, अभी आपको हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट फोन करके MLA का टिकट दे रहे हैं। सच में? तो क्या समझ रखा है? दामाद जी ने एक झूठ बोला था, वो 5 साल में सच कर दिया, पर ये भी सच है, भरोसा कर सकता हूँ क्या? आपके काले रंग की कसम।